पिछले कुछ वक्त से सारस पक्षी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। चाहे अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद अमेठी वाले आसिफ और सारस की दोस्ती का लाइमलाइट में आना हो, या फिर सारस को पक्षी विहार से उन्नाव और उसके बाद कानपुर चिड़ियाघर ले जाया जाना हो, अब सरकार ने सारस पक्षी की गिनती शुरू कराई है। इसी क्रम में जनपद आजमगढ़ के वन विभाग द्वारा सारस पक्षी की गिनती की जा रही है। इसमें जिले के झील, तालाब और पोखरों के किनारे सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 4 से 6 बजे तक के बीच सारस पक्षी को ढूंढकर उसकी गणना की जा रही है। यहां सारस को लेकर फोटो खिंचवाने के लिए लोगों से अपील भी की गई है। वन विभाग के प्रभागीय निदेशक ने बताया कि एक दिन पूर्व सारस का सर्वे करवाया गया, लेकिन एक भी सारस पक्षी नहीं मिला। इस सर्वेक्षण में 30 टीमें लगाई गई। इसके अलावा अलग से वॉलंटियर्स को भी इस पूरे काम में शामिल किया गया। जनपद में बड़ी झीलों, तालाबों के किनारे सारस पक्षी को ढूंढकर उसकी गणना की जा रही है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश के समस्त नागरिकों और समाज सेवी संस्थाओं, साथ ही छात्र छात्राओं से आग्रह किया है कि वो सारस की इस गणना में सहयोगी बने। आज 26 और 27 जून को पूरे प्रदेश में सारस पक्षी, जो कि राज्य पक्षी भी है, उसकी गणना का कार्य कराया जा रहा है। हमारे जनपद में भी आजमगढ़ जनपद में जितने झील और तालाब, पोखरे इस तरह के हैं, उनके किनारे सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में सारस पक्षी का गणना कार्य कराया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि सारस पक्षी अगर हो तो उसकी फ़ोटो भी खींचा जाए और उसको लोकेट किया जाए। अभी सुबह वाली गणना कराई गई है, उसमें सारस पक्षी कोई मिला नहीं। अपने जनपद में कम है या संख्या न के बराबर है, लेकिन फिर भी पूरा सर्वेक्षण कराया जा रहा है, जिससे कि यदि हमारे यहाँ सारस पक्षी हो तो उसका हम लोग संरक्षण कर सकें। करीब 30 टीमें लगाए गए हैं। हर टीम में दो दो कर्मचारी हैं, साथ साथ उनके 10-10 वॉलंटियर हैं, जो गांव के वॉलंटियर्स लिए गए हैं, तो एक टीम में 12 लोग हैं। तो इस तरह से पूरे जनपद में जो भी बड़े झील हैं, तालाब हैं, जैसे आप ये ताल सलोना हो गया और मेहनगर में जो आवक झील है, इधर इरनी है, इनके आसपास सब जगह हम लोग सर्वेक्षण का काम कर रहे हैं। NBT ऑनलाइन के लिए आजमगढ़ से अमन गुप्ता की रिपोर्ट।